जब भी आप कोई प्रोडक्ट दूसरे देश से इंडिया में लेके आते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, कोई आपको गिफ्ट भेजे, या आप रीसेलिंग के लिए इसको इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग का सबसे बड़ा पोर्शन ये कस्टम ड्यूटी ही होता है। कभी कभी तो ये कस्टम ड्यूटी 100% तक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लग्जरी कार इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो उस पर आपको 100% तक की कस्टम ड्यूटी पे करनी हो सकती है। इसीलिए ये जो लग्जरी कार से दुबई में इतनी सस्ती और इंडिया में इतनी महंगी होती है, इसीलिए आप लोगों को कस्टम ड्यूटी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट किया, तो हो सकता है कि उस पर कस्टम ड्यूटी 38% हो, और वही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करें जिसके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो आप लोगों को 25%, 15% या कभी कभी 0% ड्यूटी पे भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं उस कंट्री से। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिफ्ट इंपोर्ट, पर्सनल इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में लगने वाले कस्टम ड्यूटी के बारे में बताने वाला हूं। कस्टम ड्यूटी के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, BCD, SWS और IGST। BCD होता है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और IGST होता है इंटीग्रेटेड GST। ये तीन चीज़ें याद रखना, ये तीन चीज़ों पे ही पूरी की पूरी कस्टम ड्यूटी बनती है। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, एसेसेबल वैल्यू पे। और एसेसेबल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? एसेसेबल वैल्यू निकाली जाती है आपकी CIF वैल्यू इनटू एक्सचेंज रेट। CIF वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए, CIF वैल्यू का फॉर्मूला इधर है। तो कितने टाइप के वैल्यूज होते हैं? सबसे पहले होते हैं इनवॉइस वैल्यू, जो आपका इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस का जो वैल्यू है, जो आपने माल खरीदा उसका वैल्यू, उसके बाद आपका CIF वैल्यू, उसके बाद एसेसेबल वैल्यू। सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू निकालते हैं। इनवॉइस वैल्यू कैसे होती है? इनवॉइस वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ द गुड्स। मान लेते हैं कि राजीव है, हमारा एक फ्रेंड है राजीव, जो कि बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल क्वांटिटी है, वो है 18 टन। 18 टन का वो माल इंपोर्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ 1 टन है उसका $1,000। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई उसकी? 18.5 × 1,000, यानी $18,500। $18,500 का यहाँ पे माल इंपोर्ट हो रहा है, और ये हो गया आपका इनवॉइस वैल्यू, यानी इनवॉइस वैल्यू। अब CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं? CIF वैल्यू बहुत ईजी है। CIF वैल्यू यानी जो आपका इनवॉइस वैल्यू है, उसके साथ उस माल को चाइना से इंडिया में लाने तक का जो फ्रेट है, प्लस जो इंश्योरेंस है, उसको हम प्लस कर देंगे। यानी इनवॉइस वैल्यू आई थी हमारी 18,500, फ्रेट मान लेते हैं कि $1,250 फ्रेट है, इंश्योरेंस मान लेते हैं कि $250 इंश्योरेंस है, तो हमारी टोटल CIF वैल्यू कितनी निकल के आई? 18,500 प्लस 1,250 प्लस 250, यानी $20,000। ये हमारी CIF वैल्यू निकल गई। CIF वैल्यू निकल गई। ये तीन वैल्यू आपको क्लियर हो गई, इनवॉइस वैल्यू, CIF वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, क्योंकि एसेसेबल वैल्यू के ऊपर ही आपकी कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। तो इस वैल्यू को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लेके आते हैं। एसेसेबल वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? एसेसेबल वैल्यू का फॉर्मूला था आपका CIF वैल्यू इनटू एक्सचेंज रेट। CIF वैल्यू वो निकल गई, यानी $20,000, हमारा आज का एक्सचेंज रेट मान लेते हैं ₹82। तो आपका टोटल एसेसेबल वैल्यू जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी, वो है ₹16,40,000। इसी ₹16,40,000 के ऊपर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी, यानी इसी 16 लाख के ऊपर BCD, SWS और IGST लग के जो टोटल अमाउंट आएगा, वो आपका कस्टम ड्यूटी होगा, ठीक है। अब आपको एसेसेबल वैल्यू समझ में आ गया, एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी पता लग गया। अब कैलकुलेट करते हैं कि कस्टम ड्यूटी, एसेसेबल वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? हमने $20,000 को 82 से इंटू किया था, तो हमारी एसेसेबल वैल्यू जो निकल के आई थी, वो निकल के आई थी ₹16,40,000। अब इसी ₹16,40,000 के ऊपर सारी की सारी कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी डॉक्टर वाली है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, हो सके तो जूम करके भी देख लेना, अगर कहीं पे पता ना चले तो पॉज करके देख लेना। सबसे पहले ये कॉलम ए है, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। तो कॉलम ए में हमारा एसेसेबल वैल्यू निकल के आ गया। इसी एसेसेबल वैल्यू पे हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगी। BCD है हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी, विच इज़ 10% ऑफ 16,40,000, निकल के आया 1,64,000। इस 10% का 10% होता है SWS, यानी ये जो 1,64,000 है, इसका 10% विच इज़ ₹16,400 आपका SWS होता है, यानी सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब जो IGST है, वो डायरेक्ट एसेसेबल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं की जाती, वो की जाती है इन दोनों का आपको प्लस करना पड़ेगा, प्लस एसेसेबल वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी IGST कैलकुलेट की जाएगी। यानी कॉलम बी, यानी एसेसेबल वैल्यू प्लस कॉलम बी प्लस कॉलम सी, ठीक है, यानी एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस SWS। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी को हम प्लस करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ₹18,20,400। इसके ऊपर IGST कैलकुलेट की जाएगी। IGST है हमारा 18%। 18% अब देखिए, 18% ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कॉलम ए प्लस बी प्लस सी का 18% आ गया आपका ₹3,27,672। अब इन तीनों फिगर को प्लस करने के बाद, यानी कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी, विच इज़
बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी को प्लस करने के बाद जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो होगी आपकी एक्चुअल कस्टम्स ड्यूटी। ये होगी आपकी एक्चुअल कस्टम्स ड्यूटी विच इज़ 5,08,072 रुपये। ये आपको एक्चुअली इस केस में अगर आप बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं अंडर द चैप्टर हेडिंग जो मैंने बताया था 7308, तो आपको इतना कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा, राइट, विच इज 38%। तो इस केस में आप लोगों का टोटल पेबल ड्यूटी कितना आ गया, 5,08,072 रुपये, राइट। गलत। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, अगर आप कोई प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसके साथ हमारा कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो आप लोगों को हो सकता है कि 38% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़े। बट वही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जिसके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है तो आप लोगों की बेसिक कस्टम ड्यूटी घट के 25%, 15% या इस केस में 0% भी हो सकती है। तो किस तरीके से ये काम करता है मैं आप लोगों को आइस गेट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जो लोग दूसरे वीडियोस बना रहे हैं आइस गेट पर सीधा लेके जाके आप लोगों को कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने वाली वो कंप्लीटली रॉन्ग वीडियोस हैं। उस वीडियो को बिल्कुल भी रेफर मत कीजिएगा अपनी कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को सीधा आइस गेट की ड्यूटी कैलकुलेटर पर लेके चलता हूँ, किस तरीके से सारा काम करता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूँ आइस गेट की ड्यूटी कैलकुलेटर वाली पेज पे। यहाँ पे हम अपना जो प्रोडक्ट है उसका एचएस कोड डालेंगे। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारा जो प्रोडक्ट एचएस कोड है वो 7308। चलिए इसको सर्च कर लेते हैं। पूरा का पूरा एचएस कोड डालेंगे। पूरा का पूरा एचएस कोड था हमारा 7308-9010। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7308-9010। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो बेसिक, यहाँ पे हम अपना सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू डाल देते हैं जो हमारी एसेसेबल वैल्यू निकल के आई थी। हमारी एसेसेबल वैल्यू निकल के आई थी 16,40,000 रुपये। देखिए यहाँ पे 16,40,000 निकलने के बाद आपकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आ रही है वो है 15%। आपकी जो आईजीएसटी आ रहा है वो आ रहा है आपका 18%, राइट। और ये कस्टम एडीसी इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमारी इस चैप्टर हेडिंग में निकल के आ रही है वो है बेसिक 15%, SWS 10% ऑफ 15% एंड IGST है आपका 18%। ये आप लोगों की टोटल जो कस्टम ड्यूटी बन के आ रही है वो है 37.47%। अब इस केस में आप लोगों को ये मान लेंगे, अगर आप सीधा जाएंगे जैसे दूसरी वीडियोस में मैंने देखा कि लोग यहाँ पे लेके आते हैं और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे तो दो चीज़, कई सारी चीज़ें देखने वाली है। एक तो जो ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर ऑलरेडी एक जनरल एग्जेम्पशन है। अगर आप चाइना से भी इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तब भी इसकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हो जाएगी आपकी 10% एक नोटिफिकेशन लगाने के बाद, जनरल नोटिफिकेशन। जनरल एग्जेम्पशन ये सब प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री के साथ जो है हमारा कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो मैं आप लोगों को जनरल एग्जेम्पशन सबसे पहले लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जनरल एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन लगा दिया है विच इज़ 050/2017 सीरियल नंबर 373। यहाँ पे देखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी बन गई 10% और टोटल कस्टम ड्यूटी आपकी बन गई 31% के करीब। तो यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। मैंने दूसरी वीडियोस में देखा है कि लोग यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को एक ड्यूटी फिगर दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी ड्यूटी लगने वाली, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सब हो सकता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप लोगों की जनरल एग्जेम्पशन हो, या हो सकता है कि आप जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा हो, उस ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में आप लोगों की बेसिक कस्टम ड्यूटी और नीचे हो जाए। तो इस केस में मान लेते हैं कि हम लोग जो है वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों का वियतनाम के साथ आशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो जैसे कि इस पेज में आप लोगों को देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बेसिक सबसे पहले तो जनरल एग्जेम्पशन लगा के दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेम प्रोडक्ट अगर आप वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं और वियतनाम के साथ हमारा जो है आशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो मैं उस पेज पे आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए ये हमारा नोटिफिकेशन है 046/2011। मैं कंट्रीज़ की लिस्ट दिखाता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। देखिए अगर आप ये प्रोडक्ट मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या कंबोडिया या फिलीपींस से इंपोर्ट करते हैं तो आप लोग जो है इस प्रोडक्ट पे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और अब आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था हमारे प्रोडक्ट का जो एचएस कोड है वो है 7308-7301-7318। इस पूरे के ऊपर जो है आप लोगों का इस पर्टिकुलर हेडिंग के बीच में जितने चैप्टर्स आते हैं, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं 7301-7318 और हमारा है 7308, राइट। ये इसके बीच में ही फॉल करता है तो आप लोगों का जो इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी है वो बन जाएगा 0% बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं किस कंट्री से कर रहे हैं। पहले भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो कितने का आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, और सेम प्रोडक्ट आप वियतनाम या जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है उस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो कितना कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा।
ये चीज़ें ध्यान में रख के आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है ताकि आप लोगों को जो है लैंडिंग कॉस्ट सस्ती पड़े। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि कमर्शियल इंपोर्ट में किस तरीके से ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है, बट क्योंकि मेरा चैनल बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, और कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर आपको कोई गिफ्ट भेजता है या अगर आप कोई प्रोडक्ट पर्सनल यूज़ के लिए लेके आते हैं तो उस पर क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो अब बात करते हैं, अगर कोई आप लोगों को गिफ्ट भेजता है तो क्या कस्टम ड्यूटी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, और अगर आप कोई पर्सनल इंपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं सिनेरियो वन की, यानी कोई भी अगर आप लोगों को गिफ्ट भेजता है तो क्या कस्टम ड्यूटी आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो गिफ्ट के केस में आप लोगों को बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 35%, SWS देना पड़ेगा 10% और IGST देना पड़ेगा 28%, जिसका टोटल कंबाइन हो जाता है 77.28%। मतलब कोई भी अगर आप लोगों को गिफ्ट भेजता है तो 77.28% का कस्टम ड्यूटी आप लोगों को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ये पर्सनल इंपोर्ट की कैटेगरी में आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उस पर आप लोगों को कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर वो प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि ड्रोन, कोई भी सेक्स टॉयज या कोई भी आपका फायर आर्म्स, तो आप लोगों को जो है ये वाली कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी आपकी 10%, SWS होगा 10%, इसी 10% का 10% और IGST होगा 28%। आप लोगों का टोटल कस्टम ड्यूटी जो इस केस में बनेगा वो बनेगा 42.8%। पहले भी यही था बट बहुत सारी कन्फ्यूजन थी इसके रिगार्डिंग, बट अब ये चीज़ जो है क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे इन लोगों ने नीचे एक चीज़ और मेंशन करी है कि अगर आप लोगों को अपने पर्सनल इम्पोर्ट पे 42.8% का बेनिफिट लेना है तो आप लोगों को रेमिटेंस प्रूफ देना पड़ेगा। रेमिटेंस प्रूफ मतलब आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पेमेंट भेजी है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। वो हो सकता है कि बैंक स्लिप हो, वो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हो, वो हो सकता है कि कोई भी ऐसा रिसिप्ट जो आप लोगों को सप्लायर की तरफ से मिला हो एट द टाइम ऑफ परचेस। अगर आप अलीबाबा में करते हैं तो वहाँ पे भी एक रिसिप्ट आता है, वो भी आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। अपने बैंक अपने क्रेडिट कार्ड का जो है स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस अगर वो मांगते हैं, नहीं तो आप लोगों को जो है 77.28% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा अगर आप उनको सेटिस्फाई करने में फेल होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आपने इतने का खरीदा है। तो इस तरीके से आप लोगों को गिफ्ट्स पे और पर्सनल इंपोर्ट पे इतनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कस्टम ड्यूटी के अराउंड जितनी कन्फ्यूजन थी और जितनी मिसकंसेप्शन थी वो दूर हो गई होगी। अब आप लोगों को किसी और क्रिएटर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और अपने से आप प्लीज़ आइसगेट में जाके कस्टम ड्यूटी चेक मत करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और आइसगेट में कई बार वो नोटिफिकेशन अपडेट नहीं होते हैं। तो आइसगेट आप लोगों को जनरली ज़्यादा कस्टम ड्यूटी दिखाएगा, 10-15% ज़्यादा ही कस्टम ड्यूटी वहाँ पे दिखती है। तो कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से पहले आप अपने CHA से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। CHA हमेशा अपडेटेड रहते हैं और उनके पास अपडेटेड टैरिफ होता है, वहाँ से देख के आप लोगों को वो पूरा का पूरा लैंडिंग कॉस्ट बना के दे सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से पहले लैंडिंग कॉस्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि उस प्रोडक्ट को आपके सप्लायर के वेयरहाउस से लेके आपके वेयरहाउस तक लाने में कितना खर्चा आएगा। और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पूरा का पूरा सीरीज़ बनाया है इंडिया में किस तरीके से आप अपना इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो को खत्म करने के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक जेन्युइन सप्लायर को ढूंढ सकते हैं अलीबाबा से, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।